सिंपल पेपर साइंस क्लास नाइन टर्म टू में बच्चों अब हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैंने सेक्शन सी पे आ चुके हैं तो पहला जो केस स्टडी क्वेश्चन इसमें बोलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विथ अ पंजेंट ऑर्डर इट इज अ लिक्विड वैन अंडर प्रेशर इट इज इट इज़ इन वाटर वेरी इजली तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है जिसका एक बदबू होता है है ना एक पंजेंट ऑर्डर होता है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब इसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो वाटर में बहुत आसानी से डिजॉल्व हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर कम्स मेनली फ्राम एक्टिविटीज सच इज द बर्निंग ऑफ कोल एंड आयल एट पावर प्लांट्स आर फार फ्राम कापर इसमेल्टिंग तो जो सल्फर डाइऑक्साइड एयर में आता है मेनली जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन के जैसे कोल और आयल जो पावर प्लांट में बर्न होते हैं या कापर वगैरह इस्मेल्ट होता है इन नेचर सल्फर डाइऑक्साइड कैन रिलीज इन टू द एयर फ्राम बॉल्कनिक इरप्शंस और नेचर में जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना वो रिलीज होता है ज्वालामुखी इरप्शन से या इरप्शन से आगे बोलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एयर पॉलुटेंट रिलीज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फसल फ्यूल्स एंड फ्राम ऑटोमोबाइल एग्जास्ट तो जो सल्फर डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है वो रिलीज होता है फसिल फ्यूल को जलाने से या ऑटोमोबाइल के एग्जास्ट से मैंने पेट्रोलियम के जलने से तो देखिए इसमें क्वेश्चन वन है कि राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रजेंट इन दिस गैस तो इस गैस में कौन कौन से एलिमेंट प्रजेंट हैं उसको लिखना है क्वेश्चन सेकेंड है व्हाट आर द बैलेंसेज ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर टाईआक्साइड एस टू एंड एस थ्री इसको लिखना है थर्ड है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मालिकूल्स इन फाइव मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नंबर ऑफ़ मालिकूल्स को फाइंड आउट करना है फाइव मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में फोर्थ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो नंबर ऑफ़ मोल को कैलकुलेट करना है 320 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस में इसमें आर में देखिए बोलता है फोर में जो एक क्वेश्चन मिला हुआ है हम लोगों को फिफ्थ तो नंबर कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ टेन मोल्स ऑफ सल्फे सोडियम सल्फाइट तो जो टेन मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइट है उसके मोलर मास को कैलकुलेट करना है क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर थर्टी टू यूनिट ऑक्सीजन सिक्सटीन यूनिट सोडियम ट्वेंटी थ्री यूनिट और जो नंबर आप यहाँ पे विगद्रो नंबर दिया है ना नंबर आप पेवगद्रो नंबर है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू एन द पावर ट्वेंटी थ्री पर मोल तो देखिए फोर्टीन का पहला का जो क्वेश्चन है ना कि राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस गैस इसमें होगा सल्फर और ऑक्सीजन ए में सेकेंड है व्हाट आर द बैलेंसी ऑफ सल्फर इन एसो एंड इन इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं देखिए हमको ऑक्सीजन का बैलेंसी मालूम है लेट द बैलेंसी ऑफ सल्फर इन ए सो टू जेस मैंने एक्स से लिया हुआ है और हमको ऑक्सीजन का बैलेंसी मालूम है माइनस टू होता है तो एक्स प्लस टू इन माइनस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो सो दैट एक्स इक्वल टू फोर तो यहाँ पे बैलेंसी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड इन ए टू ये क्या हो गया फोर हो गया तो बेलेंसी आप सल्फर इन एस ओ थ्री इक्वल टू सिक्स इसको भी सेम तरीके से निकालेंगे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं देखिए इसका क्वेश्चन थर्ड में पूछता है कि द नंबर ऑफ मालिकूल्स इन फाइव मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इसको कैसे करेंगे सालों में कि फाइव इंटू एब्रो नंबर पाँच बार एब्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक मोल में ना एक ग्रो नंबर के बराबर माने सिक्स पॉइंट जीरो टू टू पावर ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ मालिकूल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो फाइव इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू जीरो पावर ट्वेंटी थ्री करेंगे तो सिक्स फाइव जो थर्टी तो एक पावर यहाँ पे बढ़ जाएगा तय हो जाएगा थ्री पॉइंट जीरो वन वन इन टो पावर ट्वेंटी फोर मालिकूल्स इसका फोन नंबर देखिए फोन नंबर में बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ग्राम ऑफ एसो तो टू गैस तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ग्राम एसो टू गैस में हम लोगों को जो नंबर ऑफ़ मोल्स है ना उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मालूम है कि मोलर मास आप सल्फर डाइऑक्साइड इसको कैपिटल से दिखाया दिखाएँ मैं इसको कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर का होता है बत्तीस थर्टी टू प्लस ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन तो सिक्सटीन इंटू टू इक्वल टू हो जाएगा सिक्सटी फोर ग्राम पर मोल आगे है गिभन मास एम इक्वल टू थ्री ग्राम जो गिभन मास है एम वो थ्री ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल टू स्मॉ एम अपान कैपिटल एम तो हो जाएगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर इक्वल टू फाइव मोल्स है ना तो जो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ग्राम आप सल्फर डाइऑक्साइड में होगा फाइव मोल्स अब फिफ्थ नंबर देखिए इसमें बोलता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ टेन मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट तो हम लोगों को मोलर मास कैलकुलेट करना है टेन मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट में यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मोलर मास आप, टेन मोल्स आप सोडियम सल्फेट एन एट ट्वाइस एसो थ्राइस है फार्मूला याद रखिएगा एन ए ट एसो थ्राइस तो इसमें देखिए टेन सोडियम का ट्वेंटी थ्री होता है एटॉमिक मास ट्वेंटी थ्री इंटू टू प्लस सल्फर का थर्टी टू प्लस ऑक्सीजन का सिक्सटीन इंटू थ्री इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी ग्राम तो यही इसका आंसर होगा है ना टेन मोल्स आप सोडियम सल्फेट का जो मोलर मास होगा वो ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी ग्राम होगा क्वेश्चन फिफ्टीन है इन फिजिक्स वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर टू आर फ्राम एन ऑब्जेक्ट व द अप्लीकेशन ऑफ फोर्स इलांग विद द डिस्प्लेसमेंट तो फिजिक्स में वर्क का, का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ इंटू डी इसमें एक फोर्स जब अप्लाई किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है जैसे ने बताया कि W इक्वल टू होता है वर्क इक्वल टू ए पं डी ठीक है एक वेक्टर है फोर्स जो है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है तो वो उसके आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ फोर्स इज सेट टू डू पॉजिटिव ही पोए अप्लाइड इट हैज अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ अपलिकेशन तो इसमें जो फोर्स है वो पॉजिटिव टू भी माना जाता है मान लीजिए कोई चीज ऐसा है उसको इधर ढकेल रहे हैं आप और इधर ही जा रहा है तब ये पॉजिटिव फोर्स होगा मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होता है तो आगे देखिए क्वेश्चन बोलता है कि अ फोर्स डज नेगेटिव वर्क इप इट एज अ कंपोनेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट ऑफ अपलिकेशन ऑफ द फोर्स तो जो फोर्स है ना नेगेटिव कब हो जाता है मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने पर एक नेगेटिव फोर्स लगता है जो चलते हुए साइकिल को रोकता है ना साइकिल अगर इधर जा रहा है तो, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है डिस्प्लेसमेंट के जो पॉइंट आप अप्लीकेशन आप फोर्स है उसके ऊपर अब यहाँ पे देखिए कुछ एनर्जी के प्रकार दिया हुआ है फर्स्ट जो है ना पोटेंशियल एनर्जी है जब हम थोड़ा को ऊपार उठा के ऐसा रखे हुए हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है जब इसको नीचे आप ले जाते हैं तो कनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो और जब ये टकराता है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है मैंने तीन एनर्जी यहाँ पे बताया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें कि स्टेट द लाभ कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी तो पहले क्वेश्चन के आंसर में हम लोगों को लाभ कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी को लिखना है सेकेंड में डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी सेकेंड में मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करना है और जो थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो ऑट आवर कंज्यूम्ड इन फाइव आवर्स बाई फोर डिवाइसेस ऑफ पावर सिक्स हंड्रेड वाट इच तो चार डिवाइस हैं जिनका जो पावर है ना प्रत्येक का ईच का 600 वाट है और फाइव आवर तक वो कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी को तो के डब्ल्यू एच मतलब किलो वाट आवर या यूनिट में इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि कितने उन्होंने पावर को कंज्यूम किया है या एनर्जी कंज्यूम किया है अब फिफ्टीन के फर्स्ट में देखिए बोलता है कि लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टेट करना है बताना है तो लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी इन अ सिस्टम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड तो याद रखिए कि जहाँ पे भी कंजर्वेशन आता है ना वहाँ पे नैदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड जरूर आता है इसको बिल्कुल मेमोराइज़ कर लीजिएगा द एनर्जी इन अ सिस्टम के नेदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड है ना एनर्जी को या ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है नष्ट किया जा सकता है इट मे बी ट्रांसफार्म फ्रॉम वन फार्म टू अनदर इसको एक फार्म से दूसरे फार्म में ट्रांसफार्म किया जा सकता है ट्रांसफर किया जा सकता है जैसे पोटेंशियल को काइनेटिक में काइनेटिक को पोटेंशियल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट लेकिन जो टोटल एनर्जी होगा सिस्टम का वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा इसका सेकेंड है डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी टू अ डिस्प्लेसमेंट कास्ड अ इन इट तो देखिए कोई ऐसा एनर्जी जो किसी बॉडी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट किया जाए मानी उसको धक्का दिया जाए उससे पैदा होता है बाय द अप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स ईज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी एक फोर्स को अप्लाई करने पर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जैसे इस पेन को देखिए इस पेन को मैं अगर धक्का दे रहा हूँ ऐसा और धक्का देने के बाद एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जिससे इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो जो एनर्जी प्रोसेस कर रहा है इसमें जो एनर्जी आ रहा है ना वही क्या है मैकेनिकल एनर्जी है थर्ड नंबर देखते हैं बोलता है कैलकुलेट द एनर्जी इन किलोवाट आवर या यूनिट कंज्यूमड इन फाइव आवर्स बाय फोर डिवाइसेस ऑफ पावर सिक्स हंड्रेड वाट इज ठीक है तो इसको साल्व करेंगे तो देखिए एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो गया इसमें पावर है सिक्स हंड्रेड वाट है ना और फोर हैं ऐसे डिवाइसेज तो फोर से मल्टीप्लाई कर दिए और कितने घंटे चल रहे हैं फाइव आवर इसको डिवाइड करेंगे वन से क्यों क्योंकि किलो वाट आवर में पूछ रहा है यहाँ पर आवर दिया वाट दिया हुआ है तो वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए वन से डिवाइड करेंगे देखिए जीरो जीरो कट गया यहाँ पे फाइव टू जै टेन और ये जो फोर कटा है टू टू जै फोर तो सिक्स इंटू टू हो जाएगा तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व किलो आट आवर है ना इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हेंस द एनर्जी इन किलो आट आवर कंज्यूम्ड इज ट्वेल्व किलो आट आवर तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा मेरे एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग